सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी जो है शाम का टाइम है, मैंने अपने सभी कबूतरों को बाहर निकाल दिया है और ये लोग को मैंने यहाँ पे दाना पानी भी डाल दिया है। ये लोग जो है आराम से मस्त खा पी के इधर से उधर मस्ती मार रहे हैं। बहुत सारे कबूतर जो है इस टाइम पे अपने जाल के ऊपर बैठे हुए हैं। ये चेक करो, आप सभी को याद होगा मैंने जो है अभी कुछ टाइम पहले ही ब्रीडिंग प्रोग्रेस का वीडियो अपलोड किया था। मतलब कुछ टाइम पहले नहीं, थोड़ा टाइम हो चुका है। जो यहाँ पे सामने पेटी है इसका मैंने अपडेट नहीं दिया था क्योंकि इसके अंदर जो भी बच्चे थे काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे थे। ये जितनी भी पेटी थी इसका मैंने अपडेट दे दिया था, लेकिन इसके अंदर भी कुछ कुछ ऐसे बच्चे थे जो काफ़ी छोटे थे, जैसे कि ये वाली पेटी का और ये जोड़े के नीचे जो है उस टाइम पे अंडे थे और जो बच्चे थे उनका मैंने आप लोगों को शॉक करा दिया था। बट गाइस, अभी जो है काफ़ी सारे बच्चे निकले हुए हैं। ये देखो, यहाँ पे हमारा एक कबूतर का जोड़ा है, इस समय पे जो है फीमेल अपने बच्चों को फीड करा रही है। यहाँ पे है हमारा किंग कबूतर, इन लोगों ने अंडा दिया था और अंडे को तोड़ दिया था, तो मैंने जो है किसी और का अंडा रख दिया था और इस समय पे इनके नीचे भी जो है एक छोटा सा बच्चा है। गाइस, ये सीजन में जो है अपने सेटअप पे बहुत अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हो रही है। बहुत सारे बच्चे निकले हुए हैं जिनका शौक कराना बाकी है, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं का शौक कराने वाला हूँ। और भाई, एक तो पतंग का सीजन है, पतंग की वजह से जो अपने कबूतर हैं ये थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, देख रहे हो। तो चलो सबसे पहले जो है ये बच्चे का शौक कर लो। गाइस, यहाँ पे हमारा बाजरे कबूतर का जोड़ा रहता है, अभी इसके नीचे दो अंडे हैं और यहाँ पे इसका एक बच्चा है। तो ये देखो भाई, ये है पहला बच्चा, देख रहे हो गाइस, बहुत ही प्यारा निकला है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ भी है। देखो आप लोग जो है पट्ठों का शौक करो और कमेंट्स करके ज़रूर बताना लोगों को पट्ठे जो है कैसे लगे, ठीक है। ये हमारे बाजरे कबूतर का बच्चा है, जो यहाँ पे कबूतर बैठा है ना, ये मेल है, फीमेल बाहर होगी। और अभी भी जो है इसके नीचे दो अंडे हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, रुक जा भाई। ये देखो गाइस, काफ़ी प्यारा मेल है, हाथ लगाओ फिर भी जो है कुछ भी नहीं बोलता। ये तो बहुत सारे कबूतर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो इसके नीचे ये एक बच्चा निकला हुआ है, इसके बगल में है एक और अपने बाजरे कबूतर का जोड़ा और इनके नीचे भी दो बच्चे निकले हुए हैं, लेकिन ये अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। ये देखो, तो इनको मैं बाहर नहीं निकालता हूँ। यहाँ पे अपना किंग कबूतर, इसके नीचे भी एक छोटा बच्चा है, इसका भी आप लोग शौक कर लो, ये भी अभी छोटा है तो मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा। और गाइस, यहाँ पे है अपने कमग्गर कबूतर का जोड़ा, देख रहे हो, ये है फीमेल, इसके नीचे जो है दो बच्चे निकले हुए हैं। और गाइस, इस टाइम पे अगर आप लोग नोटिस करोगे बहुत सारी पेटी के अंदर दो दो बच्चे निकले हुए हैं। इनको भी मैं निकालता हूँ, आप लोग इधर देखो, ये देखो एक बच्चा ये रहा और दूसरे वाले को भी निकालते हैं भाई। ये देखो गाइस, दूसरा बच्चा ये रहा, देख रहे हो, ये दोनों भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, इनसे ज़्यादा बड़ा ये हो चुका है। देखो, यहाँ पे है अपने लाल कासनी कबूतर का बच्चा, फीमेल जो है घाघरे में है, तो एक बच्चा घाघरे में निकला हुआ है और एक बच्चा कासनी में। ये देखो भाई गाइस, इस बार बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे निकले हुए हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बड़े हो जाए। देखो, एक बच्चा तो यहाँ पे चढ़ गया, देख रहे हो भाई, तो यहीं पे रहे। ओए 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 ओए, अभी गाइस ये सब छोटे छोटे हैं। यहाँ पे अपने लाल कासनी का दूसरा वाला बच्चा है, ये देखो, ये जो है कासनी में निकला हुआ है पूरा। ऐसा ही सेम बच्चा एक अपने सारनपुरी का निकला हुआ था, जिसके पैर में दिक्कत था, लेकिन वो जो है अभी फिलहाल में इससे बड़ा है, ठीक है। ये दोनों अभी बहुत ही छोटे छोटे हैं। और गाइस, इनके पंजे आप लोग देखो, ये देख रहे हो, ये हैं बच्चे। इसके नीचे, ये फीमेल के नीचे जो है इस टाइम पे दो अंडे हैं और यहाँ पे है अपने जीरे कबूतर का जोड़ा और इनके नीचे भी गाइस दो बच्चे निकले हुए हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी गाइस अभी बहुत छोटे हैं। ये देखो, एक जो है जीरे में निकल रहा है और दूसरा ये रहा, अभी जो है ये बहुत छोटे हैं, तो इनको ज़्यादा टाइम भाई बाहर नहीं रहने देते। देख लो आप लोग ऐसे ही, एक जो है वाइट में है और ब्लैक में है और एक तो पूरा जीरे के जैसा ही है। इसके नीचे भाई पेटी खाली है और यहाँ पे भी गाइस दो बच्चे निकले हुए हैं, इनको भी मैं निकालता हूँ। ये देखो, ये है एक बच्चा, इसके माँ बाप भी इसी पेटी में और एक बच्चा जो है अपने माँ बाप के जैसा निकला है, एक वाइट में आ गया है। ये देखो, देख रहा हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस टाइम पे जो है अपने बहुत सारे कबूतरों के नीचे दो दो बच्चे निकले हुए हैं या फिर दो दो अंडे हैं। देखो,
गाइस ये जितने भी बच्चे दिख रहे हैं ना ये सब ये सीजन के हैं, और अभी तो बहुत सारे बच्चे पेटी के अंदर ही है, जैसे कि यहाँ पे एक है, दो यहाँ पे हैं, इसके नीचे अभी फिलहाल में अंडा है, और इसके नीचे क्या है भाई, ये जो है अपना एक बहुत पुराना कबूतर है, इसके नीचे भी फिलहाल में दो बच्चे निकल चुके हैं, इसके नीचे भी दो बच्चे निकल चुके हैं, इसके नीचे अंडा है, यहाँ भी अंडा है और यहाँ भी अंडा है, ठीक है। और अपने सेंटिनेंट कबूतरों के नीचे भी इस टाइम पे अंडा है। तो आप लोग जो है ये बच्चों का शौक करो, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को इस बार की ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी लगी। और गाइस ये देखो यार, जैसा मैंने आप लोग को बताया कि अपने कबूतर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं ये पतंग के वजह से। देखो एक जो अपना फेंटेल है जिसको हम लोगों ने पकड़ा था वहाँ जाके बैठ गया है, देख रहे हो। अब गाइस क्या कर सकते हैं भाई, अब पतंग उड़ाने वाले तो इतने सारे हैं, अब इनको हम लोग रोक तो नहीं सकते, पतंग से डर के अपना एक जो फेंटेल है यहाँ जाके बैठ गया है। वो अभी जो है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तो मुझे डर लग रहा है भाई ये कहीं इधर उधर जाके गिर ना जाए, क्योंकि ये एक फेंटेल कबूतर है, ये जो है अच्छे से उड़ नहीं सकते, और अपने बहुत सारे कबूतर तो यहाँ पे उड़ चुके हैं, तो इनका तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया भाई, ये आ गया आ गया, चलो ये तो अच्छी बात है कि ये जो है आके यहाँ पे बैठ गया है। अभी जो है भाई ये सभी बच्चों को इनकी जगह पे हम लोग रख देते हैं, नहीं तो ये लोग जो है डिस्टर्ब होंगे। जाओ भाई यहाँ पे है हरे में, जाओ भाई तुम भी अपने घर में, ये बहुत ज़्यादा भाई एक्टिव हो गया है, सबसे पहले इसको रखते हैं, जाओ भाई अपने घर में। यहाँ पे ये घाघरा बच्चा है, इसका घर यहाँ पे है, ये कासनी है, जाओ भाई तू भी आजा भाई, आजा 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 आजा, इसको भी रखते हैं यहाँ पे, और एक लास्ट है यहाँ पे, ये यहाँ का है। तो अभी जितने भी बच्चे थे उनका मैंने आप लोगों को शौक करा दिया है, जो कबूतरों के नीचे बच्चे हैं वो लोग को, जो ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मैंने बाहर नहीं निकाला था, ठीक है। इस यहाँ पे चेक करो, अपने बहुत सारे कबूतर जो है पतंग से डर के ऊपर उड़ गए थे, वो जो है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं धीमे धीमे, देख रहे हो। कुछ कुछ नीचे नीचे भी घूम रहे हैं, लेकिन बहुत सारे तो ऊपर जा चुके हैं, यहाँ पे उड़ रहे हैं भाई। भाई जब तक उत्तरायण ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है यही चीज़ चलता रहेगा, और उत्तरायण ख़त्म होने के भी कुछ दिन तक तो भाई ऐसा ही ड्रामा चलेगा, छत पे जो है पतंग आके गिर जाएगी, कबूतर अपने पतंग से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होंगे, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ये देखो भाई, देख रहे हो इस चीज़ की वजह से जो है अपने कबूतर परेशान होते हैं। देखो यहाँ पे अपना कबूतर उड़ रहा है और वो लोग घिसते हुए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है डर भी लगता है पतंग से, कि भाई जो कबूतर अपने उड़ रहे वो पतंग के धागे में ना लग जाए, कबूतरों को चोट ना आ जाए, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पतंग डायरेक्ट अपने छत पे या फिर जाल पे आके गिर जाता है। देखो इस टाइम पे जो छत पे है ना गिने चुने कबूतर घूम रहे हैं इधर से उधर, नहीं तो ज़्यादातर कबूतर अपने पेटी के अंदर है, बहुत सारे इधर बैठे हुए हैं और बहुत सारे उड़ रहे हैं भाई। नहीं तो हमेशा क्या होता था कि जब भी मैं शाम के टाइम पे अपने कबूतरों को बाहर निकालूंगा, कबूतर जो है इधर से उधर घूमते रहेंगे, मस्ती मारते रहेंगे, कुछ कबूतर ऊपर भी बैठे रहते थे, लेकिन इस टाइप से नहीं भाई, वो लोग ऊपर नीचे इधर से उधर करते रहते थे, बट अभी जो है थोड़ा सा पतंग से अपने कबूतर डिस्टर्ब हो गए हैं। तो गाइस अभी के लिए फिलहाल में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो, ब्रीडिंग प्रोग्रेस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि इस बार की ब्रीडिंग प्रोग्रेस में टोटल कितने पट्टे तैयार हुए हैं, तो कमेंट करके बता देना। सो गाइस हम लोग मिलते हैं फिर से और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।